बहुत जल्दी यूएसए में सिर्फ एक ही स्टेज पे कम्पीट करना और बहुत जल्दी हम आपको वहाँ पे दिखेंगे। तो कैसे हो आप सभी लोग, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस टाइम हमें आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि हमें 1K सब्सक्राइबर जल्दी पूरे करने हैं। और भाई आपके 1 सब्सक्राइबर से हमारे चैनल को और भी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। और इस टाइम जो सभी भाइयों की तरफ से इस चैनल को सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सभी भाइयों को। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपडेट्स की तरफ। हमारी फर्स्ट अपडेट आई है मुनीश कुमार भाई की तरफ से। ये है इनकी लेटेस्ट अपडेट जिसमें अपने अगले कॉम्पिटिशन से 3 वीक्स आउट हैं। और 3 वीक के हिसाब से तो मुनीश भाई की बॉडी की कंडीशनिंग यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है क्योंकि आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि मुनीश भाई की सभी मसल्स यहाँ पर कितनी ज्यादा हार्ड हैं, खासकर इनकी चेस्ट और शोल्डर जो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक है। मिड सेक्शन भी पहले से बेटर है। तो गाइस ये थी मुनीश कुमार भाई की लेटेस्ट अपडेट जो आप सभी ने देख ली। अब देखते हैं ये इस कॉम्पिटिशन में कैसा पैकेज डिस्प्ले करते हैं और इनके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, क्या ये यहाँ पर ये टोरंटो प्रो की तरह अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत पाएंगे या फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। इनके बाद वो बात करेंगे नितिन चंदीला भाई की अपडेट के बारे में। तो दोस्तों अब इनकी बॉडी भी कंडीशनिंग और हार्डनेस में आ चुकी है, यानी अब पूरी तरीके से स्टेज के लिए रेडी है। और इसका रीजन है कि नितिन चंदीला भाई 7 डेज आउट है, यानी ये 7 दिन के बाद में कॉम्पीट करने वाले हैं साउथ एशियन चैंपियनशिप में। तो देखते हैं यहाँ पर नितिन चंदीला भाई अपना बेस्ट पैकेज और इम्प्रूव वर्जन दिखा पाते हैं या फिर नहीं। अगर नितिन चंदीला भाई ने यहाँ पर अपनी पहले वाली कंडीशनिंग पर थोड़ा और मसल मास ऐड करके डिस्प्ले किया तो भाई ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर ये गोल्ड जीतते हैं या नहीं। इनके बाद हम बात करेंगे अनुज तालियान भाई के बारे में। तो दोस्तों अनुज तालियान भाई भी कॉम्पीट करने वाले हैं साल साउथ एशिया चैंपियनशिप में। और भाई ये हर बार की तरह नितिन चंदीला भाई को सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन देंगे। तो गाइस अब हम जल्दी इन दोनों को एक स्टेज पर और एक ही वेट कैटेगरी में कॉम्पीट करते हुए देखेंगे। तो आप अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस कमेंट में जरूर लिखना कि इनमें से इस बार कौन जीतेगा गोल्ड मेडल। इनके साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आई IFBB प्रो सुपर सेम की तरफ से। तो आप सभी को ये तो पता होगा कि मुंबई प्रो शो के बाद में सुपर सेम भाई ने किसी भी प्रो शो में कॉम्पीट नहीं किया है। इस साल ये कॉम्पीट करने वाले थे दिल्ली प्रो शो में बट इसे भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। और इन्होंने अपने अगले प्रो शो को लेकर सभी के मन में एक सस्पेंस बना दिया है कि ये किस प्रो शो में और कहां पर कॉम्पीट करेंगे। तो गाइस सुपर सेम भाई ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि ये कौन सी कंट्री में खेलेंगे प्रो शो और वह कौन सी कंट्री होने वाली है आप इस क्लिप में देख सकते हो। बहुत जल्दी यूएसए में सिर्फ एक ही स्टेज पे कम्पीट करना और बहुत जल्दी हम आपको वहाँ पे दिखेंगे पाजी। तो सुपर सेम भाई के बाद में हमारी अपडेट आई है रवि पवार भाई की तरफ से। तो फ्रेंड्स सेरू क्लासिक के बाद में रवि भाई की ये पहली फिजिक अपडेट है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रवि भाई की बॉडी का शेप और कंडीशनिंग दोनों ही ऑन पॉइंट हैं। कंपटीशन के बाद भी इन्होंने अपनी बॉडी की कंडीशनिंग को मेंटेन करके रखा है जिसे आप इनके शोल्डर के फाइबर और बैक के क्रिसमस ट्री में इजिली नोटिस कर सकते हो। रवि भाई की इस अपडेट में आपने एक चीज नोटिस और करी होगी, वो है इनकी बॉडी का साइज जो यहाँ पर पहले से ज्यादा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये तो एक नॉर्मल सी बात है, जब कोई बॉडी बिल्डर कॉम्पिटिशन खेल के आता है 4-5 दिन में ही उनकी बॉडी का वेट कम से कम 5 किलो तो गेन हो ही जाता है जो यहाँ पर रवि भाई का भी हुआ है। तो दोस्तों अब रवि भाई जल्दी अपना ऑक्सीजन स्टार्ट करने वाले हैं और इन्हें अपनी बॉडी में जो भी कमियां दिखती हैं उन पर काम करने वाले हैं। तो देखते हैं अब की बार रवि भाई हमें अपना नया वर्जन कैसा दिखाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल वाली वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।